वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं माय लाइफस्टाइल प्रीति चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूं एक बहुत ही स्टाइलिश सा मॉडर्न सा साड़ी स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल। सो उम्मीद करती हूं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा कोई यूनिक तरीका मैं नहीं आज लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा है, बट बहुत 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 ज़्यादा आपको मॉडर्न और ट्रेंडी लुक देगा। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में हम सर पे पल्लू भी लेके पूजा पाठ करते टाइम लेते हैं, तो उस तरीके से करवा चौथ आ रहा है। तो ये करवा चौथ दुर्गा पूजा स्पेशल साड़ी ट्रैपिंग है, जो कि आपको सिंपल लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देगा। सो मेरी साड़ी बहुत सिंपल सी है और इसके साथ ये मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं ये सिंपल सा साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल काफ़ी 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 ज़्यादा पसंद आती है। सो चलिए, बातें बहुत सारा हो गई ज़्यादा हो गई, तो फ्रेंड यहाँ पे जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ ये कुछ पिंक और रेड का है। इसका ब्लाउज पीस मैं नहीं कट की हूँ क्योंकि ये एकदम न्यू साड़ी है, तो बस इसे मैं बेसिक सी जो टकिन है वो कंप्लीट करूँगी। तो साड़ी को हल्का सा मैंने फोल्ड किया और जो बेसिक सी टकिन है वो पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं साड़ी की जो पल्लू है उसको मेज़र करूँगी। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा मैं साड़ी ड्रेप की हूँ, कुछ खास नहीं है, बट सिंपल साड़ी के साथ भी आप कितने ज़्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिख सकते हो वही मैं आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये सिंपल सी साड़ी अगर आपके पहनने का तरीका काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, तो आप सिंपल कपड़े की साड़ी में सिंपल मीन्स जो सिंपल एकदम से सिंपल और नॉर्मल साड़ी होती है उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक दे सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो, अच्छे लग सकते हो। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, आप देख ही सकते हो। और ये सब्जी वाले यार मैं क्या करूँ इनका, तो बस यहाँ पे साड़ी बेसिक सी टकिन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे पल्लू मेज़र करूँगी। पल्लू मेज़र करने के लिए हम नी लेंथ लेंगे हर बार की तरह, क्योंकि नी लेंथ एक स्टैंडर्ड साड़ी लेंथ होता है पल्लू लेंथ, जिससे पल्लू का लुक बहुत ज़्यादा ही प्यारा आता है। अगर आपको सिर पे पल्लू रख के पूजा पाठ वगैरह करना है, जैसे अभी करवा चौथ और दुर्गा पूजा है, तो ये दुर्गा पूजा करवा चौथ स्पेशल साड़ी लुक भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं इसमें आपको हर तरीके से साड़ी को स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ, मेकअप हेयर स्टाइल सब कुछ, और सिर पे पल्लू लेके भी दिखाऊंगी। सो पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे साड़ी की जो बेसिक सिटकिन है वो कंप्लीट की हूँ मैं, उसके बाद पल्लू मेज़र कर ली हूँ, उसके बाद साइड का जो साड़ी है उसे खींच के एक सेफ्टी पिन से हम अपने पेटकोट में अटैच करते हुए इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे अपने कमर की प्लेट्स, तो कमर की प्लेट्स का जो फर्स्ट प्लेट रहेगा वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे बेली बटन से 4 अंगुल आगे, और बाकी जो प्लेट्स है उसे हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। काफ़ी पास से आके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इस साड़ी को मैं बहुत बहुत ही आराम से मैं इसकी कमर की जो प्लेट्स है, शोल्डर की प्लेट्स है, बहुत ही आराम से बनाई हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। हालाँकि बहुत सिंपल सा मैं पहन रही हूँ साड़ी में, कुछ खास स्पेशल नहीं है। तो यहाँ सारी प्लेट्स, जब मेरे सारे प्लेट्स इक्वल हो गए हैं तो बस एक सेफ्टी पिन से हम सारे प्लेट्स में पिनअप कर लेंगे, जिससे ये स्लिप नहीं होंगे, और फिर साड़ी को एक बार झटक लेंगे जिससे कोई भी कमर की प्लेट्स मुड़ी हुई या फिर सिकुड़ी हुई नहीं रहेगी, और कमर की प्लेट इक्वल बैठेगी और काफ़ी अच्छी भी साड़ी की लुक जो है, साड़ी का लुक है वो आएगा। तो यहाँ पर मैं अपने प्लेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करने के बाद उसे बिल्कुल अपने बेली बटन के थोड़ा सा साइड करके हम टक करेंगे। यहाँ पर एकदम से फ्रंट में मैं नहीं टक कर रही हूँ, और मैं साड़ी सेवियर के साथ पहनी हूँ ना, तो क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा स्लिप कर रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, क्योंकि मैचिंग का पेटीकोट नहीं था, तो हर बार अनमैच पहनना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मेरे पास साड़ी सेवियर जो था वो मैच कर रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ साड़ी सेवियर पहना, बट इतना ज़्यादा स्लिप कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं मतलब कहाँ साड़ी पहनी थी, स्लिप करते करते कहाँ पहुँच जा रहा था, ये हाल हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लिप कर रहा था। तो आप लोग ऐसा नहीं करना यार, ये तो वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई, फिर भी मैं जब व्लॉगिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा ही स्लिप कर रहा था। तो आप लोग क्या करना कि जब ये साड़ी मतलब पहनना ना, तो शेपवेयर के साथ पेटीकोट भी ज़रूर पहना कीजिए, क्योंकि ना ये स्लीप बहुत ज़्यादा करता है, तो बाहर के लिए कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल सा अपने कमर की प्लेट्स बनाए, सॉरी कमर की प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ पे शोल्डर की प्लेट्स बनाएंगे। तो सिंपल सा, ना ज़्यादा चौड़ा ना ज़्यादा पतला, मीडियम सा पल्लू सेट करेंगे, और आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, बट आपको थोड़ा सा अपने टम्मी से, मेरा टम्मी फैट एक्सेस है तो उसे इग्नोर करना,
और अगर आप स्लिम हो ना तो ये वाला लुक ट्राई करना, बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडी और मॉडर्न लगेगा आपके ऊपर। तो यहाँ थोड़ा सा आपको आपके टम्मी से जो है ना ब्लाउज़ का एरिया है उससे थोड़ा सा आपको साइड करके इस पल्लू को लेना है, जिससे टम्मी थोड़ा सा स्लिम रहता है तो काफ़ी प्यारा लुक आता है। बट कोई नहीं, मुझे तो यार हर तरीके की साइड ड्रेपिंग करनी है तो मुझे तो दिखाना ही दिखाना है, सो फैट को इग्नोर करना और मैं बस साड़ी स्टाइल को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे पल्लू को मैं आप देख ही सकते हो काफ़ी इजी तरीके से बना ली हूँ, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बट इस लुक के लिए इतना काफ़ी है इतना पल्लू शोल्डर की प्लेट्स। तो यहाँ पे बस प्लेट को अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे सेफ्टी पिन लगा के। तो यहाँ पे शोल्डर की प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट करने के बाद मैं एक सेफ्टी पिन से पिनअप कर ली हूँ, तो बस ये लुक मेरा रेडी हो गया। तो पहले मैं आपको सिर पे पल्लू लेके दिखा रही हूँ नवरात्रा और करवा चौथ के लिए, तो ये लुक कैसा लगा उसके बाद मैं अपना मेकअप हेयर स्टाइल वगैरह दिखा रही हूँ, कैसा आप लोगों को मेरा क्लोज व्यू लग रहा है। उसके बाद मैं इस तरीके से सिंपल जो मैंने साड़ी ड्रेप किया हुआ ये पल्लू स्टाइल दिखा रही हूँ। तो ये सिंपल पल्लू स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो अब देखिए ओपन पल्लू और ये सिंपल सा और मॉडर्न और ट्रेंडी साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और फाइनल लुक फुल व्यू। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा लुक आपका फेवरेट लगा। यहाँ मैं फुल व्यू दिखा रही हूँ आपको इस तरीके के पल्लू, अगर आपका बॉडी स्लिम है ना तो और ज़्यादा ही स्टाइलिश लगेगा ये लुक। वैसे मेरे ऊपर कैसा लगा जरूर बताना। आई नो यार क्लोज व्यू में बहुत ज़्यादा टमी पैंट दिख रहा था, मैं क्या करूँ, कोई नहीं ठीक है इग्नोर करना। तो देखिए मेरा डिफरेंट स्टाइल में फाइनल लुक, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल। वीडियो आई होप की वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, जैसे भी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो टूश भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग से इंटरटेनिंग से टॉपिक के साथ मैं अपने दोनों ही चैनल महाराष्ट्र ब्लॉग चैनल पे और मेरा जो सेकंड जिसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ दीपक संजन ब्लॉग होती है, दोनों चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे लाइक शेयर कीजिए। और जो लोग हाँ मैं आजकल अपने एफपी पेज पे फेसबुक पेज पे भी एक्टिव हो गई हूँ, तो आपको चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो एफपी पे, मेरा एफपी पेज है महाराष्ट्र ब्लॉग चैनल, और मेरा इंस्टा पेज भी सेम इसी चैनल के नाम से महाराष्ट्र अल्पिक चैनल से के नाम से मेरा इंस्टा आईडी और एफपी पेज दोनों ही है, तो वहाँ पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो मुझे, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ और अच्छे से पोस्ट डालती हूँ स्टोरी डालती हूँ, तो आप भी मुझे फॉलो कर लीजिए। सब चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।